31 पॉजिटिव केसेज आए, 71,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए थे, पॉजिटिविटी रेट 0.04% रहा है। ऐसा मान के चलिए कि भी 10,000 में से 4 के करीब लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। दिल्ली में इस टाइम कोरोना कंट्रोल में है, पर मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क ज़रूर लगाएं अगर घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी काम से जाते हैं तो पब्लिक में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, बिना मास्क के ना निकलें। केरल महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, केरल में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ गया है, दिल्ली की क्या कुछ तैयारियां है क्योंकि दिल्ली फिर से पूरी तरह से पटरी पर आ चुकी है? केरल के अंदर अभी देश में बस केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर अभी कोरोना काफ़ी बड़ी तादाद में है। वहाँ की पॉजिटिविटी जो है शायद 17-18% चल रही है, बाकी किसी भी राज्य की पॉजिटिविटी 2% से ज़्यादा नहीं है। दिल्ली की पॉजिटिविटी 0.04 है। दिल्ली इस टाइम कंट्रोल में, बस मैं ये कहूँगा कि अगर जनता ध्यान रखे, सभी लोग ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि थर्ड वेव, जिसका कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि थर्ड वेव जरूर आएगी, हो सकता है डिले हो सकती है, अवर्ट भी हो सकती है, या आए भी तो बहुत हल्की आएगी। उसके लिए सभी को जो मैंने अभी बताया मास्क लगाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार की ओर से थर्ड वेव की बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियाँ की जा रही हैं। दिल्ली सरकार ने 6,800 से भी ज़्यादा ICU बेड बनाने का निर्णय किया है। दो दिन पहले 7 हॉस्पिटल्स हैं, 7 हॉस्पिटल्स में उन बेड्स को बनाया जाएगा और 6 महीने के अंदर ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स को 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। सारे के सारे हॉस्पिटल में सब बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन पॉइंट्स भी होंगे, सारी फैसिलिटीज होंगी और एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ्स। सर, मोहल्ला क्लिनिक नए तरीके से बनाए जा रहे हैं, डिज़ाइन किया जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक्स को, क्या इससे लागत कम आएगी, किस तरीके से ये मोहल्ला क्लिनिक होंगे उस बारे में? मोहल्ला क्लिनिक के साथ ना थोड़ा सा पॉलिटिक्स रही है कि जहाँ भी हम मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहते हैं स्पेस की बहुत दिक्कत आ रही है। आपको पता है लैंड रिजर्व सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार के हाथ में है। DDA ने हाईकोर्ट में वादा किया था कि हम 500 जगह देंगे और उन्होंने एक भी मोहल्ला क्लिनिक की जगह नहीं दी। MCD जगह जगह तंग कर रहा है मोहल्ला क्लिनिक बनाने में, तो हमने कंटेनर भी अंदर कंटेनर शिपिंग कंटेनर जो होता है शिपिंग कंटेनर के अंदर रेडीमेड मोहल्ला क्लिनिक का ट्राई किया है कि ये फैक्ट्री से बन के आएंगे और जहाँ पर भी हमें थोड़ा सा स्पेस मिलेगा वहाँ पर हम उसको रख के स्टार्ट करें। दैट इज़ 100% ट्रांसफरेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी से, ट्रक में उठा के लाया जाता है, ट्रक में ला के रख दिया जाता है, फिर कभी शिफ्ट भी करना पड़े तो वहाँ से आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। सर, पोर्टा केबिन्स में भी हमने देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, तो पोर्टा केबिन में जो कॉस्ट आती है वो कितनी होती है और ये जो कंटेनर्स में? देखिए कॉस्ट तो अभी ये सैंपल बनाया गया है और CSR के थ्रू कंपनी ने बना के दिया है, कॉस्ट तो मुझे लगता है बराबर ही आएगी, बट इसके अंदर 2-3 फायदे हैं। एक तो फैक्ट्री से बन के आएगा, बल्क में बन सकते हैं और साइट के ऊपर इंस्टॉलेशन में कोई समय नहीं लगेगा। दूसरा, एक चोरी का भी दिक्कत आ रही है जो मोहल्ला क्लिनिक हमारे कुछ लोकेशन में बने हैं, तो कंटेनर काफ़ी मजबूत होता है उसके मुकाबले में, जो पहले बनाया गया टेम्परेरी मटेरियल है उसके अंदर उसको तोड़ना आसान होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।